बचपन बाल बाल, लेकिन है वो कौन सी चीज जिसमें फंस गया तोबा तोबा? बड़े तुच्छ प्राणी हो तुम, और एक खासियत है तुम्हारी, तुम्हें बकवास करने की आदत है। अपमान, महाविनाशिनी के प्रचार का अपमान। चिल्लाओ मत, वरना ये चरण जकड़ यंत्र के साथ साथ तुम्हारा मूल चक्र यंत्र का भी प्रयोग करूंगी। अरे हो क्यों पड़े आप मेरे पीछे? अरे हो कौन तुम? बुराई से भी बुरी हूं, शातिर परिणाम है मेरे। चालाकी है काम मेरा, तुमसे मिलकर बहुत दुख हुआ। अरे दर्द तो हो रहा है बहुत मुझे। अरे अरे हिल भी नहीं पा रहा मैं तो। निकालो मुझे यहाँ से। अरे पहले ये क्या चीज अटका हो जिसमें मैं? ये चरण जकड़ यंत्र है तौबा तौबा, इसमें एक बार जो फंस जाता है वो कभी बाहर नहीं आ पाता। से बाहर निकलने के लिए जितना छटपटाओगे इसकी जकड़ और मजबूत होते जाएगी। है वो तो ठीक, लेकिन है क्यों पकड़ के रखा मुझे आपने? ऐसे ही आजमाने के लिए मैं देखना चाहती थी कि क्या ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अरे वो वही मिलता क्या सबको आजमाने के लिए? इस बेवकूफ ने पकड़ के रखा आपके सेवक को। निकाले मुझे यहाँ से, बचाइए मुझे। ये कौन ये नहीं बोला? देखा नहीं कभी इससे पहले कभी? वाह मैन, आज तो बहुत मजा आएगा क्योंकि आज तो जीके का टेस्ट है और मोंटू को उसमें मीरा मिलेगा और सर उसके बिना सावर के धुलाई करेंगे। माना इतना भी उछल मत क्योंकि तू भी जीके में थोड़ा वीक है। वीक था हूँ नहीं, और इस बार मुझे 20 में से 20 मिलेंगे क्योंकि मैंने इस बार इतनी अच्छी पढ़ाई की है कि मुझे 20 में से 20 मिलना पक्का है। यकीन नहीं होता? ठीक है तू मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, मैं सारा आंसर बताऊंगा। पक्का? पक्का। तो मुझे बता ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? ह्यूमन बॉडी में 206। करेक्ट। या
बस आराम से। रुक, अब मैं तुझे क्वेश्चन पूछूंगा। पूछ, ठीक है। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कितने साल तक चला था? बस फर्स्ट सितंबर 1939 से सेकेंड सितंबर 1945, मतलब 6 साल। वाह मेहर, वाह, वेरी गुड। तू तो पूरी पढ़ाई करके आई है। अब मैं तुझे क्या पूछूं? तू ही मुझे पूछ, मेरा एक बार रिवीजन भी तो हो जाएगा। ठीक है। हाँ? चल। तो मुझे ये बता कि स्पेस में फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट कौन था? मानव, इतना सिंपल सा तो क्वेश्चन था, राकेश शर्मा, और कौन? अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन सामने एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन खड़ा है। क्वेश्चन खड़ा है? हाँ मान, चल बाप। मोंटू तो हमारी तरफ ही आ रहा है और बहुत गुस्से में लग रहा है। लगता है आज ही हमारी बैंड बजा देगा। कुछ कर मैं प्लीज। तू चिंता मत कर माना, आज उसने कोई मस्ती की ना तो पीट दूंगी। ये पिद्दी लोग, चलो पतली गली पकड़ के निकल लो, चलो फूटो यहां से। अरे मोंटू जी, ऐसे कैसे चले जाएंगे? आज तो जीके का टेस्ट है, वो दिए बगैर कैसे जाएंगे, है ना? अरे बाप, कोई जीके का टेस्ट वेस्ट नहीं देगा। तुम हमेशा जीके का टेस्ट देते हो और तुम्हारा बोल वाला होता है। मोंटू बॉस का मुंह काला। बोलने की जरूरत थी? सॉरी बॉस। लेकिन अब मेरा मुंह काला नहीं होगा। इस बार तुम तुम्हारी टेस्ट ही नहीं दोगे तो तुम्हारा बोल वाला नहीं होगा, तुम्हारा बोल वाला नहीं होगा तो मेरा मुंह काला नहीं होगा, समझे? नहीं मानो, जा रे, चल मैं। मानो एक मिनट। देख मोंटू, मेरी बात ध्यान से सुन। तू कहता है तो हम टेस्ट नहीं देते हैं, चले जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारा बोल वाला नहीं होगा, लेकिन तेरा तो मुंह काला होगा ही ना। मतलब हाँ, टेस्ट दे या ना दे, तुझे तो एग्जाम में 0 ही आएगा ना। मोंटू बॉस, एक मिनट साइड पे आना। बॉस, मैं सच कह रही है, प्रॉब्लम मानो मेहर का नहीं है, प्रॉब्लम आपके दिमाग का है जो एकदम घटिया कचरे से भरा हुआ है। मेरे कहने का मतलब है मोंटू बॉस, प्रॉब्लम इनकी नहीं है, प्रॉब्लम तो क्वेश्चन पेपर की है, क्योंकि आपको एक भी क्वेश्चंस के आंसर आते ही नहीं है। हाँ, तो सही कह रहा है रोहित, पर कुछ भी हो जाए मैं इन पिद्दियों को वो टेस्ट देने नहीं दूंगा। दिखा गए। शाबाश शातिर भाई, शाबाश। तुम्हारे इस चरण जकड़ यंत्र ने मुझे प्रभावित किया। अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें चुना। क्या यंत्र बनाया है बालवीर को पकड़ने के लिए? मुझे पूरा यकीन है कि बालवीर इसमें फंसकर इसी तरह झटपट आएगा। जी महाविनाशनी, अच्छाई को रोते बिलकते देखने की आपकी इच्छा, चरण जकड़ यंत्र जरूर पूरी करेगा। अब बस बालवीर इसमें फंस गया तो आपका सामना नहीं कर पाएगा, फिर आपका एक बार और बालवीर का खेल खत्म। अरे फंसेगा बालवीर तब ना जब निकलेगा मेरा पैर इस मनहूस चरण जकड़ यंत्र से। निकालो मुझे यहां से। अब वो दिन दूर नहीं जब बालवीर के अंत के साथ साथ
अच्छाई की आवाज दब जाएगी, पूरा ब्रह्मांड बुराई की गूंज से भर जाएगा। हे, ये तो बड़ी भयानक योजना। वो तो हुआ अच्छा, फेंका मुझे उस तोप ने यहाँ विनाश रूप में, वरना चलता कैसे पता मुझे महाविनाश की योजना के बारे में। वाह बॉस, क्या प्लान बनाया आपने? अब तो जीके के टेस्ट में पक्का आप ही फर्स्ट आओगे। प्लान बनाना तो मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखाने की पुरानी आदत है। और ये सर कहाँ रह गए? अभी तक नहीं आए। ये मॉन्टू यहाँ सर की राह क्यों देख रहा है? क्या आज तो सामान्य ज्ञान की परीक्षा है? फिर ये मॉन्टू जरूर ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है। मोंटू बॉस, वो देखो सर। वाओ सर है। रोहित, अब मेरा प्लान एक और बार ध्यान से सुन। ये बॉल मैं नीचे रखूंगा और फिर सर को एम करके मारूंगा, और फिर सर को दिन में तारे नजर आएंगे, और सर को चोट लगी होगी इसकी वजह से वो क्लास में नहीं जाएंगे, और सर क्लास में नहीं जाएंगे तो हमारी जीके की टेस्ट कैंसिल होगी। अच्छा तो ये बात है, अभी पता चल जाएगा कि चोट किसको लगती है। मोंटू, दिन में तारे क्यों नजर आ रहे? रानी परे, डुबा डुबाइक रुकी। आखिर हुआ क्या है डुबा डुबाइक? आप ऐसे क्यों भाग रहे जैसे सांप सूंघ गया? बात क्या है बताइए तो। है बात बहुत गंभीर और है नहीं मेरे पास समय। है आने वाला परिलोक में बड़ा संकट। चलिए चलिए, आप रानी बहन वो बताता सब कुछ वही मैं आपको। चलिए रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, चलिए रानी बहन चलते हैं। रानी परी, रानी परी, डुबा डुबा एक, क्या हुआ डुबा डुबा एक, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? डूबा डूबा एक, आराम से, आराम से, धीरे धीरे सांस लीजिए। अब बताइए क्या हुआ? रानी परे, रानी परे, ये हमारा बालवीर संकट में, ये उसकी जान को खतरा, कुछ कीजिए रानी परे, कुछ कीजिए जल्दी से। क्या डूबा डूबा एक, ये आप क्या कह रहे हैं? बालवीर की जान खतरे में? कहाँ हूँ मैं? मोंटू बॉस, आप क्लासरूम में हो और अभी जीके की टेस्ट शुरू होने वाली है। मांडव, खबरदार अगर दोबारा बेहोश हुए तो। सर मुझे चक्कर आ रहे, क्या मैं घर जाऊं? बिल्कुल नहीं, हर बार बहाना करके जीके की टेस्ट नहीं देते तुम। इस बार कोई बहाना नहीं चलने वाला, जाओ अपनी जगह पे जाके बैठो। सर जगह पे जाके बैठो।
हम जीके की टेस्ट शुरू करते हैं। दुनिया में कितने अरे बेटा सवाल तो पूरा होने दो। सर, हम आपका क्वेश्चन समझ गए। वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं और उसका आंसर है 7। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ। लेकिन मैं इंप्रेस नहीं हुआ क्योंकि तुम लोगों को तो हर सवाल का जवाब मालूम है। इंप्रेस तो मैं तब होऊंगा जब इस क्लास का एक बच्चा जो कभी कोई सवाल का जवाब नहीं देता वो अगर जवाब दे दे तो। और उस बच्चे का नाम है मंटू। वहां बेंच के नीचे क्या ढूंढ रहे हो तुम? उठो मंटू, अब होगा तेरा मुंह काला। देखा देखा कर परे सूंघ गया ना सांप आपको भी। विदार परे हुआ था मेरा ऐसा ही हाल जब चल गया था मुझे पता महाविनाश की योजना के बारे में। डेरी परे कहीं महाविनाश के चरण चक्र यंत्र ने पकड़ लिया बालवीर को तो? बाल परे कहिए ना बालवीर से रहने के लिए सतर्क जल्दी से। हाँ परे कृपया दीजिए आदेश महाविनाश पर आक्रमण करने के लिए। वो करता मैं एक काम, वो जाता मैं सुरक्षा परे के पास और कह देता उसे कि हो जाओ तैयार महाविनाश का आक्रमण करने के लिए। छोड़ेंगे नहीं हम उसे। है क्या समझ के अपने आप को? सिखाएंगे उसको ऐसा सबक कि याद रखेगी। विराम डुबा डुबाए। शांत हो जाइए डुबा डुबाए। लेकिन रानी परे महाविनाश ने कुछ नहीं कर पाएगी महाविनाश ने। और डुबा डुबा एक आपका मित्र बालवीर इतना कमजोर नहीं है कि वो महाविनाश ने के जाल में फंस जाए। हाँ डुबा डुबा एक रानी परी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपके आने से पहले हम यही चर्चा कर रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हमेशा हमेशा के लिए महाविनाश ने का डर खत्म हो जाए। अच्छा हाँ डुबा डुबा एक और हमने एक ऐसी योजना बनाई है जिससे हम बुराई को जड़ से मिटा देंगे क्योंकि इस बार हमारा निशाना महाविनाशनी नहीं बल्कि महाविनाशनी के भीतर छिपी हुई उसकी बुराई है। और जब हम बुराई को ही समाप्त कर देंगे तो महाविनाशनी एक अच्छी परी बन जाएगी और फिर हमें आए दिन महाविनाशनी के आक्रमण को झेलना भी नहीं पड़ेगा। अरे वाह रानी परी है ये तो बहुत अच्छा विचार। लेकिन होगा क्या ये संभव? होगा डुबा डुबाई अवश्य होगा और बहुत जल्द होगा। अरे ये तो बहुत ही अच्छा विचार है रानी पर। लेकिन क्या सच में महाविनाशी सुधर सकती है? उसके मन में अच्छाई और सच्चाई का बीज बोया जा सकता है? हाँ बालवीर और रानी परी ने उसकी योजना भी बना ली है। इससे उत्तम समाचार तो कुछ हो ही नहीं सकता रानी परी। ऐसा तो विचार केवल आप ही को आ सकता है और इसलिए तो आप हमारी रानी परी हैं। मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूँ रानी परी। आपके इस क्रांतिकारी विचार के कारण सच्चाई और अच्छाई का पक्ष और भी मजबूत हो जाएगा क्योंकि अगर महाविनाशी के अंदर की बुराई मिट गई तो हमें एक और अच्छी परी मिल जाएगी। बालवीर हमारी इतनी भी प्रशंसा मत कीजिए कहीं हमारे मन में अहंकार ना बस जाए। और वैसे भी बालवीर हमने तो सिर्फ योजना बनाई है असली कार्य तो आपको करना है बालवीर। हाँ बालवीर बालवीर ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे महाविनाशनी के मन में सच्चाई और अच्छाई का बीज बोना इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूँ लेकिन इस शुभ कार्य के लिए मैं अपना जीवन दाव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। रानी परी आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। बालवीर आपको श्वेत लोक जाना होगा। श्वेत लोक के बीचों बीच एक सफेद तरकश है उसमें अच्छाई के श्वेत बाण है। बालवीर ये श्वेत बाण इतने शक्तिशाली हैं कि यदि ये किसी बुरे व्यक्ति को लग जाए तो उसमें से बुराई निकल जाती है
और वो बुरा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति बन जाता है। तो मैं अभी जाकर वो तरकश लेकर आता। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ श्वेत लोक में आप अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। माँ, मेरी जादुई शक्तियों से भी बड़ा है मेरा नैतिक बल, जो मुझे आप सबके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, और इसीलिए मैं अपनी जादुई शक्तियों के बिना भी उस तरकश को प्राप्त कर सकता हूँ। हम जानते हैं बालवीर, लेकिन बालवीर एक बात का ध्यान रखिएगा, श्वेत लोक में प्रवेश करने के बाद तरकश को वापस लाने के लिए आपके पास केवल एक प्रहर का समय होगा। अगर लौटने में एक प्रहर से एक पल भी ज्यादा का समय लगा तो सफेद तरकश के साथ साथ आप भी रेत के बन जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। मैं याद रखूंगा रानी परी, अपना ख्याल रखिएगा बालवीर, क्योंकि इससे पहले भी कई परियों ने बुराई नाशक बाण लाने की कोशिश की थी लेकिन वो असफल रही और रेत बन गई। मैं वचन देता हूँ आपको, मैं परीलोक वापस पहुँच पाऊँ या ना पहुँच पाऊँ, लेकिन वो तरकश आप तक जरूर पहुँचेगा। नहीं बालवीर, नहीं ऐसा मत कहिए। बालवीर, हम जानते हैं कि जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वो आसान नहीं है, लेकिन हमें आप पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप उस कार्य में जरूर सफल होंगे। हाँ मित्र, कर पाओगे तुम ये जरूर। अपना ख्याल रखिएगा। आज्ञा दीजिए रानी परी। रुक जाइए बालवीर, बालवीर डूबा डूबा एक आपके साथ जाएंगे। डूबा डूबा एक आप बालवीर के साथ जाइए। जी रानी परी। डूबा डूबा एक अपना हाथ आगे कीजिए। जी रानी परी। ये किस लिए रानी परी? बालवीर ये रेत खड़ी है। डूबा डूबा एक आप इस रेत खड़ी को अपने पास रखेंगे और इसे देखकर आप बालवीर को बताते रहिएगा कि उनके पास कितना समय बचा है। जी रानी परी। चलो मित्र बालवीर, चलो डूबा डूबा एक। मंटू, बताओ कि सूरज स्टार है या प्लैनेट? सर, सूरज स्टार या प्लैनेट कैसे हो सकता है? हमारा सूरज तो पटेल है ना सर, सूरज कांतिलाल पटेल। सही बोला ना सूरज? अरे मंटू, मैं इस सूरज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सूरज की बात कर रहा हूँ आकाश वाले। अरे इतने आसान सवाल का जवाब भी नहीं आता तुम्हें। बच्चों, तुम में से किसी को आता है? बताओ। सर, सूरज स्टार है और अर्थ एक प्लैनेट है और मून अर्थ का एक सैटेलाइट। वेरी गुड अंटा। अरे जिस सवाल का जवाब नहीं पूछा उसके भी जवाब इनको आते हैं। सीखो कुछ इनसे, सीखो। हाँ सर, वो बहुत होशियार है। खबरदार मंटू, अगर नीचे बैठे तो आज तुम तब तक नीचे नहीं बैठोगे जब तक तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब नहीं देते। हाँ? अब मैं तुम्हें एकदम आसान सवाल पूछूंगा। हिंदुस्तान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है बताओ? बेटा, अभी इसमें क्या सर खुजा रहे हो, बता दो। ये भी नहीं? अरे इसका जवाब तो थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे को भी आता है। तुम सेवन स्टैंडर्ड में हो, डफर हो तुम, डफर। तुम में से किसका आता है? आकाश, तुम बताओ। सर, हमारा नेशनल बर्ड है पीकॉक। मोर है, इतना भी तुम्हें नहीं आता? सर, सर अब मेरा जीके का टेस्ट नेक्स्ट मंथ ले सकते हो। वो क्या है ना, मुझे भी फुटबॉल लगा था ना सर पे, तो मेरी यादाश्त गायब हो गई है, मुझे खुद याद नहीं आ रहा सर, और चक्कर भी आ रहे हैं। मोंटू, सर नाश्ते में क्या खाया था? चार पिज्जा, दो बर्गर और एक बनाना मिल्क शेक। वाह वाह वाह, नाश्ते में क्या खाया था वो तुम्हें बराबर याद है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है। बेटा, बेटा एकदम आसान सवाल का जवाब दे रहा हूँ। एक डजन में कितने केले होते हैं बताओ मुझे?
बेटा, तुम्हारे पापा स्कूल के ट्रस्टी है बेटा, कुछ तो शर्म करो। अच्छा बताओ कि 5, 10, 15, 12। हाँ 5। नहीं बेटा नहीं नहीं, अरे 7वीं स्टैंडर्ड के बच्चे हो तुम, और फर्स्ट क्लास के आंसर भी नहीं पता तुम्हें, क्या पढ़ा तुमने इतने सालों में? मंटू मंटू, अब इसका जवाब किस किस को पता है? बताओ। देखा, सबको पता है, 12 केले होते। अरे मंटू तेरा क्या होगा, तुम्हारा छोड़ो तुम्हारे साथ मेरा क्या होगा? मित्र बालवीर, गए पहुंच हम श्वेत लोक। वो देखो डुबा डुबा एक बुराई नाशक बाणों का तरकश। लेकिन मित्र, है वो तो बहुत दूरी पर। श्वेत लोक में प्रवेश करने के बाद तरकश को वापस लाने के लिए आपके पास केवल 1 प्रहर का समय होगा। अगर लौटने में 1 प्रहर से 1 पल भी ज्यादा का समय लगा तो सफेद तरकश के साथ साथ आप भी रेत के बन जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। ये लो डुबा डुबा एक मेरा जादुई डंडा। मित्र बालवीर, चीते की चपलता से दौड़ना तुम, क्योंकि है नहीं मेरे आंखों में इतनी शक्ति कि देख पाऊं मैं तुम्हें रेत बनते हुए। डुबा डुबाए, तुम मुझे हिम्मत देने के बदले और डरा रहे हो? नहीं नहीं, है भरोसा मुझे तुम पर, है मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ। जाओ मित्र जाओ, लेकर आओ बाणों का तरकश। रोहित, मेरी इज्जत का तो कचरा हो गया। तुझे पता है 1 डज़न में कितने केले होते? हाँ, पता है। हाँ, हाँ। 1 डज़न में होते हैं 12। मोंटू को जी के ने मारा। 1 डज़न में होते हैं 12। मोंटू को जी के ने मारा। 1 डज़न में होते हैं 12। मोंटू को जी के ने मारा। 1 डज़न में होते हैं 12। मोंटू को जी के ने मारा। मोंटू बॉस, इन पिद्दियों ने तो आपका अच्छा जीके बढ़ा दिया, अब आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे 1 डज़न में कितने केले होते हैं। रोहित, अब देखना, मैं इन पिद्दियों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये उसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मानव, मुझे बताएगा क्या हुआ? एक बात पूछूं? हाँ पूछ। मोंटू इतना टफर कैसे हो सकता है? ले, ये क्वेश्चन पूछने के लिए तू मुझे इतना दूर भगा के लाया। सॉरी। तुझे इस सवाल का जवाब जानना है? हाँ। मैं अब भी मोंटू को बुलाती हूँ। हाँ? मोंटू, मेर, हमसे बचने के लिए तो यहाँ कोने में बैठे हैं, और तू उसे सामने से बुला रही है, पिटवाएगी क्या? अरे हिचकी कैसे शुरू हो गई? कहीं मोंटू तुझे याद तो नहीं कर रहा? अरे नहीं नहीं, वो तो बैठ के 1 डज़न केले गिन गिन के खा रहा होगा। मानव जा पानी पी क्या। हाँ? मा 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 मा
चुप माना। देख मोंटू पीछे हट जा वरना पीट दूंगी। मैंने कहा ना रोक। मैं पीछे क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि पीछे दीवार है। मोंटू जी क्या चाहिए आपको? दो पिज्जा दो बर्गर एक मसाला डोसा एक ऑनियन और बाहर चुप। अच्छा थेपला चाहिए तो पहले बोल देना चाहिए था, मैं आपको दे देता। नहीं मुझे थेपला नहीं खाना है, मैं तुझे खा जाऊंगा। अगर तूने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं, मुझे लगता है मोंटू जी खुद हमारा जीके का टेस्ट लेना चाहते हैं। मोंटू जी आप एक क्या 10 सवाल पूछो, मैं सबका जवाब दूंगा। तो बता। पूछे पूछे बस बिंदास पूछिए। मैं भी देखता हूँ कि कौन आपको रोकता है। पूछे पूछे। मैं से कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि मोंटू बॉस मानव को एकदम इम्पोर्टेंट सवाल पूछने जा रहे हैं। अरे पूछते क्यों नहीं, पूछिए बॉस। चुप। सबसे बीच में बोल रहा, वापस बोला तो मुंह तोड़ दूंगा। क्या हो गया? ए, तुम बता, क्लास में फर्स्ट मानव में, स्पोर्ट्स में फर्स्ट मानो मैन, जीके के टेस्ट में फर्स्ट मानो मैन। अरे चुप। ये पिद्दी चल तुम्हारी अकल का राज बता। क्या मोंटू जी, मुझे तो लगा था आपको इंटेलिजेंट सवाल पूछेंगे, लेकिन आपने तो इतना फुद्दू सा सवाल पूछा। इसका क्या जवाब दूं मैं? अरे चुप। कोई जोक चल रहा है यहाँ पे? हाँ मेरे सवाल का जवाब दो, तुम दोनों में इतनी अकल कहाँ से आई? मोंटू इस सवाल का कोई मतलब नहीं है, हम दोनों पढ़ाई करते हैं इसलिए फर्स्ट आते हैं, सिंपल। पढ़ाई तो मैं भी करता हूँ और पिछले एक महीने से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तू भी मुंह काला हुआ ना मेरा। मुझे पता है तुम लोग की इस अकल के पीछे एक बहुत बड़ा राज है और ये राज आज मोंटू द ग्रेटेस्ट का नहीं जान के रहेगा। ए पिद्दी कब से सवाल पूछ रहा हूँ, चुपचाप जवाब दे दे वरना नारियल के पेड़ पे उल्टा लटका दूंगा। अरे चुप। खुशबू चालू है रोहित, जा जाके रस्सी लेके आ, ये दो तीन घंटा उल्टा लटकेगा ना तो अपने आप सब बक देगा। जा बॉस अभी लाया। अरे नहीं नहीं रुक, मैं बता रहा हूँ मेरा अकल का राज बताता हूँ मोंटू जी। राज? कैसा राज? अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, मोंटू जी को ये राज बताना ही पड़ेगा। तो सुनिए मोंटू जी, ये एक लंबी कहानी है। जो मुझे बैठ के बतानी पड़ेगी। यार मित्र बहुत और तेज।
रानी परी, बालवीर सुरक्षित वापस लौट के आ पाएंगे ना? हाँ डूबा डूबा जी, बालवीर वापस लौट कर अवश्य आएंगे। अगर लौटने में एक प्रहर से एक पल भी ज्यादा का समय लगा तो सफेद तरकश के साथ साथ आप भी रेत के बन जाएंगे। मैं वचन देता हूं आपको, मैं परीलोक वापस पहुंच पाऊं या ना पहुंच पाऊं, लेकिन वो तरकश आप तक जरूर पहुंचेगा। शाबाश शाबाश मित्र, आओ। पकड़ो डुबा डुबा। नहीं मित्र, कर सकते हो तुम, भागो मित्र, भागो भागो मित्र, है कुछ कदम ही बाकी। हारना मत, कर सकते हो तुम, बालवीर भागो मित्र, भागो, है कुछ कदम ही बाकी। बालवीर बालवीर भागो।
पात्र बाल वीर, लगा था मुझे तो एक पल के लिए खो दिया मैंने तुम्हें, जब दिया तुमने अपने जीवन से ज्यादा महत्व इस तरकश को। भाड़ बाइक, रो मत, क्योंकि अब हमारे रोने के दिन नहीं है, हमारे हंसने के दिन है, हमारी खुशी के दिन है। क्योंकि आज महा अविनाशी की बुराई हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आज से 3 साल पहले की ये बात है, उस दिन इसी तरह जीके का टेस्ट था, इसी तरह मैं पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहा था, बस फर्क इतना था कि वो नारियल का पेड़ था। हाँ, तेज हवाएं चल रही थी, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। ए पिद्दी, मौसम काल बाद में पता, पहले पॉइंट पे आ। ओके ओके, तो मैं नारियल के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहा था, कुछ दिमाग में घुस नहीं रहा है। क्या? कुछ दिमाग में घुस नहीं रहा था और अचानक याद आया, अचानक मेरे सिर पर एक नारियल गिर गया। फिर क्या हुआ? चमत्कार, चमत्कार हुआ। जैसे वो नारियल मेरे सिर पर गिरा, मैं दर्द से चिल्ला, और फिर मेरे सिर पर बड़ा सा टेंगू आ गया। किसी का पॉइंट पे आ, वरना तेरे सिर पे और एक टेंगू आ जाएगा। नहीं नहीं, बता रहा हूँ। नारियल गिरने के 2 मिनट बाद मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, मुझे हर एक सवाल का जवाब आ गया, मुझे ऐसा लगा कि मैं ज्ञानी बन गया। मानव, ये तो क्या बोल रहा है? सही तो बोल रहा हूँ। वैसे मोंटू, एक बात है, मैं अब तक ये तय नहीं कर पाया कि वो नारियल मैजिकल था या कोइंसिडेंस। नहीं 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 नहीं, वो कोइंसिडेंस नहीं था, वो मैजिकल ही था, वो सच्ची में मैजिकल नारियल था। मैजिकल नारियल तेरे सर पे गिरा और तुझे अक्लमंद बना दिया। अब वो मैं मेरे सर पे गिराऊंगा और मैं ज्ञानी बन जाऊंगा। ज्ञानी रोहित, चल नारियल गिराते, ज्ञानी बनते। ज्ञानी मोंटू बॉस, मैं क्या बोलता हूँ, जाते जाते 2 नारियल पानी पी लेते ना। मानव, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कितना बड़ा झूठ बोला तूने। झूठ कहाँ बोला, मेरे सिर पे सच में नारियल गिरा था और इतना बड़ा टेंगो भी आया था। मानव, लेकिन उसकी वजह से तुझे अकल नहीं आई थी। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैंने उसे ये तो बता दिया ना कि वो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, और अगर मैं उसे कहानी नहीं बताता ना तो पूरे स्कूल में हमारी कहानी फेमस हो जाती कि मोंटू ने कैसे मानव की पिटाई की। हाँ, लेकिन मोंटू का क्या होगा? पता नहीं बालवीर के साथ क्या हुआ होगा, हमें तो बहुत डर लग रहा है, कहीं बालवीर के साथ कोई अनहोनी ना हुई हो। देखिए डरी परी, अनहोनी तो अब जरूर होगी, लेकिन बालवीर के साथ नहीं, महाविनाशनी के साथ। हाँ परी, डूबा डूबा इस बात का संकेत है कि बालवीर बुराई नाशक श्वेत बाण लेकर आ चुके हैं। बालवीर, बालवीर, Thank you.
ये रहा रानी परी, बुराई नाशक श्वेत बानो का तर्कश। शाबाश बालवीर, शाबाश, आज आपने सच्चाई का सिर ऊंचा कर दिया। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परी, खुश रहो। बालवीर, अब तो हम खुशी होंगे क्योंकि ये बाण महाविनाशनी की सारी बुराई मिटा देंगे। हाँ बालवीर, आज आपने एक ऐसा कार्य किया है जिसे सच्चाई और अच्छाई से बुराई का साया हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। बालवीर, परियों, इस श्वेत बाण के लगने के बाद महाविनाशनी को एक अच्छी परी बनने में कुछ समय लगेगा। आखिर महाविनाशनी पांच पूरी परियों की शक्ति से बनी है। कोई बात नहीं रानी परी, जहाँ हम सब ने इतनी प्रतीक्षा की है वहाँ थोड़ी देर और सही। तो परियों, आप सबके धनुष तैयार हैं? जी रानी परी। अगर आप सबका साथ रहा तो हम ये युद्ध जरूर जीतेंगे। हम सब आपके साथ हैं रानी परी। हाँ रानी परी, हम सब आपके साथ। हाँ। ये रहा वो ज्ञानी पेट और वो रहे वो ज्ञानी नारियल। यही नारियल मानव के सर पे गिरा था और किसी ने उसे ज्ञानी बनाया था। अब देखना, हम ये नारियल हमारे सर पे गिराएंगे और उन दोनों पिज्जियों से भी ज्यादा ज्ञानी बन जाएंगे। अरे लेकिन मोंटू बॉस, इतने बड़े बड़े नारियल अपने सर पर गिरेंगे तो सर तो फट जाएगा ना। अरे बेवकूफ, तुमने वो कहावत नहीं सुनी है? नो पेन नो गेन। रोहित, देखा तूने? अभी तो मैं बस पेड़ के नीचे के खड़ा हो गया और मेरे दिमाग में कहावत आ गई, और वो भी इंग्लिश कहावत। रोहित, अब सोच नारियल गिरने के बाद हमारे दिमाग में क्या क्या बढ़ जाएगा। अरे मोंटू बॉस, मैं तो भूल ही गया था कि आज तो मेरे कजिन का मुंडन है, मैं वहां पे जा रहा हूँ। बाय बाय। हाँ तेरा मुंडन करवा दूंगा। ओ नारियल के ज्ञानी पे, हमारे ऊपर 10-15 नारियल की बरसात कराओ और हमें भी ज्ञानी बनाओ। ये बॉस तो आज मरवा के छोड़ेंगे। कुछ सोच रोहित, कुछ सोच। ओ नारियल के ज्ञानी पेड़, मेरे ऊपर 20-25 नारियल की बरसात कर ताकि मैं मोंटू बॉस से भी ज्यादा ज्ञानी बन जाऊं। तू ज्ञानी बन के क्या करेगा? तू जाके वहां खड़ा रहे। नहीं बॉस, मैं ज्ञानी बनूंगा और फिर मैं आपका बॉस बन जाऊंगा और आप मेरे चमचे। ओ नारियल के ज्ञानी पे, मोंटू का ग्रेटेस्ट लखानी को चमचा बनाएगा। हाँ, तू ज्ञानी बनेगा, चल फुट उधर जाके खड़ा रहे। ज्ञानी सिर्फ मोंटू का ग्रेटेस्ट लखानी बनेगा, समझा? चल फुट। आप ज्ञानी बनो या ना बनो, लेकिन आज ये प्रूव हो गया कि मैं आपसे ज्यादा स्मार्ट हूं। ओए नारियल के ज्ञानी पेड़, मेरे ऊपर ज्ञानी नारियल की बरसात करा। इतनी कम घास क्यों डाल रहे हो? तोबा तोबा,
अपने खाने के लिए बचा रहे हो क्या? डालो और घास। तुम्हारी जबान तो मेरे से भी लंबी है। ये लो डाल दी और घास। ये लो, बस। अब नहीं दिखेगा ये चरण चक्र यंत्र बाल वीर को, और जब पड़ेगा उसका पैर इसके ऊपर तो फंस जाएगी अच्छाई बुराई के चंगुल में। एक यंत्र बिछाने से कुछ नहीं होगा, तौबा तौबा। कुछ लोगों के भाग्य बलवान होते हैं, मुझे बालवीर का भाग्य भी मिटाना है। शातिर परी, और यंत्र बिछाओ। जी। शातिर परी, जल्दी से जाकर छुप जाओ, बालवीर आ रहा है। फंस गया। देखो, फंस गया बालवीर मेरे यंत्र। बेचारा शेर फंस गया मेरे जाल में, मतलब हमारे जाल में। बालवीर, तुम जितना ज्यादा छटपटाओगे उतनी ही इस यंत्र की पकड़ और मजबूत होती जाएगी। पूछो पूछो तौबा तौबा से, क्या हाल हुआ था इसका? अरे चीज जरूरत क्या ये बोलने की है? बहुत सताया बालवीर तुमने, हर बार रेत की तरह हाथ से सरक जाते थे, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तुम्हारा खेल बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है ना बालवीर? कोई बात नहीं, अभी तुम्हें इस दर्द से मुक्त कर देती हूँ।
बात है बालवीर, तुम्हारा अंत इतना करीब है और तुम हंस रहे हो। मेरा नहीं, तुम्हारा अंत करीब है मां विनाशनी, वो देखो। छोड़ के मुझे वहां अकेला यंत्र से बाहर कैसे आए बालवीर? क्योंकि बालवीर उसमें कभी फंसे ही नहीं थे महाविनाशनी, वो सिर्फ एक नाटक था। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता महाविनाशनी? तुम्हें क्या लगा ये सारा खेल तुमने रचा है? नहीं महाविनाशनी, ये सारा खेल रानी परी ने रचा है जिसमें तुम फंस चुकी हो। हाँ महाविनाश, हमें पहले से पता था कि तुम बालवीर पर वार करोगे और इसीलिए हमने तुम्हें फंसाने की ये योजना बनाई। और तुम मूर्ख महाविनाशनी हमारे इस जाल में फंस भी गए। परियों ने महाविनाशी को घेर लिया है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अरे रुको शातिर परी, जाएंगे हम वहां तो नहीं बचेंगे, अपनी खुद की मदद करने के भी लायक। खड़ी रहो चुपचाप यहाँ पर। अरे नारियल के ग्यारी पे मैं खड़ा रहने के थोड़ा थक गया हूँ, अब तो मेरे ऊपर नारियल की बरसात कराओ प्लीज। अरे मोंटू बॉस, ये ज्ञानी नारियल पेड़ का मूड नहीं होगा नारियल गिराने का। अब चलो हम कल आएंगे, वैसे भी धूप पर खड़े खड़े मेरी बहुत हालत खराब हो गई है। चलो। नहीं हा? जब तक ये पेड़ मुझे अक्ल नहीं देता था मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं, चाहे दिन बीते या रात, महीने बीते या साल, मैं यही डटा रहूंगा। ठीक है तो अब यही रहो, मैं तो चला, बहुत गर्मी हो रही है। अरे कहीं नहीं जाएगा, जब ये नारियल मुझ पर गिरेंगे और मुझे अक्ल आएगी ना तो उसका विटनेस तो कोई चाहिए ना, इसलिए तू यही खड़ा रहेगा, समझा? और तू बॉस, ये नारियल आप पे अपने आप कैसे गिरेंगे? अगर ये नारियल मानव पे गिर सकते ना तो ये मुझ पे भी जरूर गिरेंगे, समझा? चल जा वहां जाके खड़ा हो जा, दिमाग खा रहा है कब से। नारियल के पेड़ बरसात कराओ ना। प्लीज मुझे ज्ञान दे दो ज्ञानी नारियल, प्लीज गिर जाओ। ज्ञान चाहिए? अभी देता हूँ ज्ञान।
क्या निशाना लगाया रोहित, वेरी गुड वेरी गुड। अब मोंटू बॉस की अक्कल ठिकाने आ ही जाएगी। हाँ, आ गया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया। एक ज्ञानी नारियल के ज्ञानी पे मुझे मुझे और ज्ञान दो, मुझे और ज्ञान दो, दो। ऐसा इंसान है, एक नारियल से पेट नहीं भरा, अभी फोड़ता हूँ दूसरा नारियल। तेरी तो अब तो अक्कल ठिकाने आई गई होगी। वाओ, आओ मुझे और ज्ञान दो, अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट दो, मुझे ज्ञान की बहुत जरूरत है। देता हूँ ज्ञान, बरसाता हूँ। वाओ, थर्ड इंस्टॉलमेंट में आ गया, दो। अब बारह ज्ञानी नारियल गिरे। बॉस इधर इधर। रोहित, हाँ, बारह ज्ञानी नारियल गिरे मतलब एक दर्जन, एक दर्जन नारियल गिरे मतलब अब मैं ज्ञानी बन गया, बन गया मोंटू द ग्रेटेस्ट लगानी ज्ञान। क्या आप सब तैयार हैं? जी रानी परी, हम सब तैयार हैं। मुझे निहत्ता करके मुझ पर तीर चलाओगी रानी परी, सच्चाई और अच्छाई की बातें करती हो, यह है अच्छाई तुम्हारी? महाविनाशिनी, हमारी सच्चाई और अच्छाई का पता तुम्हें बहुत जल्द चल जाएगा, और जब तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम खुद हमारा शुक्रिया अदा करोगी। परियों, कीजिए आक्रमण इस जीती जागती बुराई पर, चलाइए अपने बाण। बेचारी महाविनाशिनी, कर लो उसके अंतिम दर्शन चातिर परी, अब नहीं मिलेगा देखने ये चेहरा फिर कभी हमें। लेकिन तुम्हारा बदसूरत चेहरा तो मुझे देखना पड़ेगा ना। काश काश महाविनाशी की जगह तुम होते तो बात।
ए पिद्दी लोग, सब लोग ध्यान से देखो, मोंटू द ग्रेटेस्ट ज्ञानी लखानी आया। अरे बॉस संभल के। देखो ज्ञान आ गया, देखो मैं ज्ञानी बन गया। अरे बॉस देख, देखो 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 मेरा ज्ञान, देखो देख इधर भी देख 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 देख, तू भी देख देख इधर है, देख देख जान हुई। हाँ मेरे ज्ञान के पूजा के लिए थाली लेके आ जा। हाँ बस अभी जाता हूँ। ज्ञान देख 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 ज्ञान देख ज्ञान देख। अरे मोंटू तेरे सर में इतने सारे टेंगू है, कैसे हो गए? किससे मारपीट की तूने? मारपीट नहीं, मैंने मारपीट नहीं की है। ये तो हमारे प्यारे मानव का आइडिया था ना, इसीलिए तो आइडिया दिया नारियल के पेड़ के नीचे जाके खड़े रहने का। मैंने वही किया, नारियल के पेड़ के नीचे गया और फिर नारियल की बरसात हुई मुझ पर, एक डजन नारियल बरसे और फिर मैं ज्ञानी बन गया। देखो मोंटू द ज्ञानी। अरे मुझे अब ये भी पता चल गया कि एक डजन में 12 ज्ञानी नारियल होते। इस मोटे ने तो सचमुच अपने सर पर नारियल फोड़ लिया, अब क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जब उसे पता चलेगा कि नारियल सर पे फोड़ने से अकल नहीं आती है, वो तेरे सर पे नारियल फोड़ेगा। अरे मैं एक तो पहले से डरा हुआ, तू और मत डरा प्लीज। अच्छा मैंने तुझे कहा था इतनी बड़ी बड़ी फेंकने के लिए। अब ज्ञानी मोंटू जी के लिए हम आरती करेंगे, तो बोलो नारियल फोड़ा सर पे आया अकल पानी, हो गया चमत्कार बन गया ज्ञानी मोंटू मोंटू, सब बोलो नारियल फोड़ा सर पे आया अकल पानी, हो गया चमत्कार बन गया ज्ञानी मोंटू मोंटू, नारियल फोड़ा सर पे आया अकल पानी, हो गया चमत्कार बन गया ज्ञानी मोंटू मोंटू। तो बोलो ज्ञानी मोंटू की जय, ज्ञानी मोंटू की जय, ज्ञानी मोंटू की जय। तो पिद्दी लोग सुन लो, आज से तुम लोग सब लोग मुझे ज्ञानी मोंटू बुलाओगे, क्योंकि आज मेरे पर 12 ज्ञानी नारियल गिरे। कितने? 12। अब हमारे भी 12 बजने में देर नहीं है, क्योंकि जब मोंटू को पता चलेगा कि उसमें अकल का ए भी नहीं आया तो वो हमारी डबल धुलाई करेगा। तो ज्ञानी मोंटू जी को ज्ञान मिलने के खुशी में हम नारियल फोड़ेंगे। हाँ नहीं, हाँ यहाँ फोड़ सर पर। वो सर पे क्यों? सर पे तो पहले से ही टेंगू है। बेवकूफ, वो टेंगू नहीं है, मेरा ज्ञान है। क्या है? राइट। ये नारियल फोड़ने से मैं और ज्ञानी बन जाऊंगा, और स्मार्ट बन जाऊंगा, और अकलमंद बन जाऊंगा। इससे मानव मेहर का मुंह काला होगा। क्या? काला। Are you sure, boss? कि आपको ज्ञान मिला है? मुझे तो नहीं लगता कि आपको ज्ञान मिला है। बेवकूफ, तू मेरे ज्ञान पर शक कर रहा है? बोल, नारियल बोल। हाँ हाँ। ज्ञान का फाइनल इंस्टॉलमेंट आ गया। अरे बॉस, अरे
तोबा तोबा। ओ करा दर्द पैसो शातिर परी, जब लगेंगे ये तीर हमें, भागो शातिर परी भागो। बालवीर, आखिर हमने बुराई पर विजय पा ही ली। तुम्हारे तीरों में इतनी शक्ति नहीं पड़ी कि महाविनाशनी को खत्म कर सके। चोट पहुंचाई है तुमने। तुम्हारे एक एक वार का बदला मैं जरूर लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी।